हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनन्या कृष्णा ब्लॉग में। हम लोग फिर से रामायण की स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे अनन्या अब राम सीता के वनवास की कथा स्टार्ट कर रही हैं। सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इस वजह से थोड़ा मुझे पार्टीशन में इसको डालना पड़ रहा है, बट आप लोग प्लीज़ इंजॉय करिए। अनन्या स्टोरी सुना रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, अनन्या का एक्सप्लेनेशन सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको हंसी भी आएगी। और मैं श्योर कर रही हूँ कि आप लोग को ये वीडियो देख के बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्लीज़ इंजॉय। लेकिन राम जी और लक्ष्मण जी की तीर कम नहीं हुए, बल्कि और बढ़ती गई, क्योंकि वो भगवान थे इसीलिए उनकी तीरें बढ़ती गई, कम नहीं हुई। जैसे जैसे तीरें टूट रही थी, वही तीरें जोड़ के उसी उनके पास आ जा रही थी। तो वो जब अपने धनुष से बोला, हाँ तब अपने धनुष से बोला, हाँ कि महाराज आप इस राक्षस का वध करो, नहीं तो ये मेरी ही पत्नी को खा जाएगा। तो ऐसा बोल के अपने मन में फिर उन्होंने धनुष वार चलाया और वो राक्षस मर गया और सीता माँ को मुक्ति मिल गई। फिर वो और आगे बढ़े, तब उनको जटायु दिखा। तब जटायु जो था वो तो अभी तक उनको मिला नहीं था, तो लक्ष्मण जी को लगा कि कोई मायावी राक्षस है। तो जैसे वो मारने के लिए पहुंचे कि राम जी ने उनसे बोला कि रुको लक्ष्मण, पहले से पूछ लेते कि ये कौन है। तो फिर राम जी ने हाथ जोड़ते हुए बोला कि महाराज आप कौन है। तो उन्होंने बोला कि मैं जटायु हूँ। और फिर राम जी ने बोला कि आपसे मिलकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे अपने पिताजी वापस मिले। तो फिर ऐसा बोलते हुए जटायु को बहुत अच्छा लगा और जटायु ने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बालक, तुम यहाँ से जाना इस रास्ते से। तो फिर वैसे ही करते करते वो हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तब उनको एक कुटिया दिखाई दी। उन्होंने बोला कि अब बहुत थक गए, अब इस कुटिया में विश्राम कर लेते हैं। तब राम जी बाहर बैठ के धूप सेक रहे थे, वो आँखें बंद करके ऐसे बैठे हुए थे। तो फिर उसके बाद जब सुप्रखा ने उसे देखा, सुप्रखा उसने जब राम जी को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि क्यों ना इससे विवाह कर लूं। और वो राम जी के पास अपना वेश बदल के आई आई तो उसने मतलब सुंदर कन्या का रूप बना दिया था। और उसने चूड़ी खनखा के राम जी को जगाया और उनसे बोला कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसने बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं इतने भयानक जंगल में। तो प्रखा ने बोला कि मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो यहाँ हमेशा रहती हूँ, आज मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि आपसे विवाह कर लूँ, मुझे आपसे विवाह करने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन राम जी ने बोला कि मैं विवाहित हूँ। फिर वो सीता बाहर आई, कुटिया से बाहर आई उनके लिए कुछ फल लेकर। राम जी ने उनसे फल मंगवाए थे और वो सोचे कि चलो कुछ देर बैठ जाते हैं, बैठ के विश्राम करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी सुप्रखा अपना वेश बदल के आई थी और फिर कुछ देर में लक्ष्मण भी बाहर आए। थोड़ा व्यस्त थे लेकिन सुप्रखा ने उनको नाच कर गा कर उनको बोला कि इससे विवाह कर लो। और उससे पहले लक्ष्मण जी ने बोला कि क्या है, दिखाई नहीं देता कि मैं व्यस्त हूँ। लक्ष्मण जी को क्रोध आया क्योंकि वो उससे उनको इतना परेशान कर रही थी कि वो तो सोच नहीं सकते कि ये ल,
लड़की मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है। फिर उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन है। उनकी नजर वो बहुत रोते थे इसलिए उन पर नजर नहीं पड़ी, उनके उनके फेस पर नजर नहीं पड़ी। तो उन्होंने पूछा कि देवी आप कौन है। उसने बोला कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं भी विवाहित हूँ। फिर सुप्रभा को गुस्सा आया, फिर उसने बोला कि मैं इस सीता को अभी खा जाऊंगी। तो वो अपने वास्तविक रूप में आई और वो हंसना शुरू कर दी। उसके बाद जब उसने सीता को पकड़ा, लक्ष्मण ने तुरंत उसकी नाक काटी। तब वो रोते रोते खरदूषण के पास गई। लेकिन खरदूषण के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो राम जी पर वीर चल रहा है, बड़ा वीर बन रहा था तीर चलाने वाला। तो राम जी ने उल्टा उसी को मार दिया। तो जब राम जी ने उसको मारा, तब उसके बाद सुप्रभा रावण के पास थी, जो कि जिसका दशहरे के दिन वध हुआ। और राम जी जो थे वो तो पावरफुल थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने रावण का जो और मामा था ना, वो हिरण बना था, हिरण। तो हिरण के वेश में जब वो आया, तब सीता ने उसको देखकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि मैं इस हिरण को ले अपने घर में लाकर उसको पायल पहना दूंगी, बहुत अच्छा नाते रहे। फिर वो राम जी के पास गई। उसके बाद उन्होंने राम जी से बोला कि हे राम, मैंने एक हिरण देखा है और मैं उसके ऊपर उस पर उसको पायल पहना दूंगी तो छमझम छमझम नाचेगा। तो ऐसा बोल के राम जी जब वहाँ गए, उससे पहले उन्होंने लक्ष्मण जी ने राम जी को वचन दिया था कि उनका पूरा ख्याल रखेगा और कहीं पर नहीं जाएगा। तो फिर ऐसा ही करके जब उस रावण के मामा का जब वध हुआ, तब उसने राम जी की आवाज में लक्ष्मण सीते इस तरह करके आवाज पूरे उसमें फैला दी, पूरे जंगल में। इस तरह सीता माँ ने बोला लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ, राम जी खतरे में है, मेरे पति खतरे में है, उनकी रक्षा करो जाके। और उसके बाद रावण झाड़ियों में छुपा हुआ था, वो इसी इंतजार में था कि कब लक्ष्मण जाए और उसको झपट ले सीता को। और फिर उन्होंने लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, जो कि जैसे उस पर कोई कदम रखेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो उन्होंने रेखा खींच के चले गए, लेकिन सीता माँ तो अकेली थी और कुटिया में भी नहीं गई थी और तो वो बैठी हुई थी। फिर जब रावण जो था वो साधु के भेष में आया, हाँ, तब उसने सीता से भोजन मांगा कि सीता मुझे भोजन दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत दूर से आया। तो उन्होंने उस पर बहुत दया की। उसके बाद वो भोजन जैसे ही लेने गए, रावण ने सोचा कि चलो ये अंदर चली गई है। उससे पहले रावण ने ये सीता से बोला कि हम बहुत थके हुए हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। तो सीता माँ ने बोला कि इस वक्त मेरे पति इस कुटिया में नहीं है, तो आपका मैं स्वागत नहीं कर सकती। तो वो ऐसा बोल के भोजन लेने गई। रावण ने सोचा कि कौन साधु को अंदर नहीं आने देता। तो वो उसने सोचा कि चलो अब इस रेखा इसको झपट लेते हैं। जैसे ही उसके कदम उस जगह पर गए, उसी तो उसके कदम पीछे आ गए, क्योंकि वहां थी आग। जैसे उस पर कोई पैर रख रहा था,
सीता उसके ऊपर आग आ रही थी। लक्ष्मण जी ने सीता जी से बोला था कि इस यहाँ पर एक बड़ी दीवार बन गई है जो कि किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप ही उसको दिखाई देंगी क्योंकि शीशे की दीवार है। उन्होंने मजबूत शीशे की दीवार बना दी थी। इसमें सीता जी तो आ सकती थी, लेकिन कोई मायावी राक्षस उस पर नहीं आ सकता था, क्योंकि कोई भी सर के वेश में आया तो वो उसे थोड़ी ना पता था कि वो उस पर रेखा पड़ी हुई है। तो फिर वो वहीं पर बैठ कर आराम से बैठे थे। और अब सीता माँ जब भोजन लेकर आई, तब वो उनको लक्ष्मण जी की बात याद आई। उन्होंने साधु जी से बोला कि हे परमात्मा, आपके लिए मैं भोजन लाई हूँ। तो उन्होंने बोला कि लाओ दे दो। तो फिर उन्होंने ये नहीं सब नहीं सोचा, वो सीधा जैसे वो श्राप देने लगे, सीधा वो दौड़ दौड़ के दौड़े दौड़े चले आए। और उन्होंने बोला कि सीते, अब तुम ये भोजन किसी और को देना या तुम खुद ही खा लेना, लेकिन पहले मैं तुझे छपूंगा। सीधा रावण के भेष में ने बोला, मैं लंकेश रावण। तो रावण ने बोला कि सीते, अब मैं तुझे हरण कर लूंगा तुझे। और वो तो राक्षस था, वो तो किसी को भी मार सकता था, लेकिन सीता माँ को उसे जीवित छोड़ा था क्योंकि वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी थी लेकिन वो रानी थी नहीं। और रानी तो थी पहले, लेकिन उनको सीता, उस रावण को सीता बहुत ही सुंदर लगी, तो उसे विवाह करने का सोचा। वो तो विवाहित थी, लेकिन उसे जबरदस्ती उठा के ले आया। और जब जटायु ने तो सीता जी की आवाज सुनी, वो चारों तरफ पुकार रही थी, लक्ष्मण राम लक्ष्मण आओ आओ मुझे बचाओ। राम लक्ष्मण यहाँ वहां थोड़ी ना ढूंढने लगे कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। सीधा वो कुटिया में गए। उससे पहले जब लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचे, तब राम जी ने बोला कि लक्ष्मण तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सीता को कहाँ छोड़ा है। उन्होंने बोला कि चमक के दी भैया, सीता मैंने ही बोला था और मुझे तो पता था कि कोई मायावी राक्षस होगा, आपको तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सीता माँ तो मान नहीं रही थी, उन्होंने जबरदस्ती किया तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब जटायु जो था, जब तक वो चेतावनी देने जाता, तब तक रावण लंका पहुंच चुका होता। उनके पास फोन तो था नहीं कि बता दे कि मैं लंका में हूँ, उन लोगों के पास उस टाइम कोई फोन नहीं था। लेकिन सब लोग ऐसे ही पता कर लेते थे कि कहाँ है। वो तो यहाँ वहाँ ढूंढते थे। अब ये तो रावण को ही पता होगा कि वो रहता कहाँ है। और फ्रेंड्स, अब अनन्या पहुंच चुकी हैं लंका, और अब हम लोग इसके आगे काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अगले ब्लॉग में डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अनन्या की रामायण के साथ। कीप वॉचिंग।